ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर ऑल द लीब्रा। ओके, सो यहाँ पर मोहिनी मूर्ति आप देख सकते हैं। कार्ड इज सच यू नो ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। ओके, तो द डिवाइन एनचेंट्रेस। ओके, तो क्या ब्लेसिंग्स हैं। टेस्ट ऑफ नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू नो अट्रैक्शन। मे बी कुछ के लिए हो सकता है। इट इज़ अबाउट लाइक आप देख सकते हैं कार्ड में यहाँ पे भगवान शिव भी हैं, यहाँ पे नारायण भी हैं। और आपने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि नारायण जो थे उन्होंने ही मोहिनी रूप का मोहिनी रूप धारण किया था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे देवता है, असुर हैं और उनको वो जो अमृत पिलाया था, तो वो सारी जो रचना है वो नारायण ने रची थी। तो सिमिलरली इट्स अबाउट हैपनिंग इन योर लाइफ दैट मे बी थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ से लाइक डील कर पाएंगे, वट एवर इट इज़। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट परसेप्शन की, हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है किसी चीज़ के प्रति वो बदल सकता है, अबाउट थिंग्स और सिचुएशन और पीपल। और इट्स ऑल्सो अबाउट सीइंग थ्रू पीपल, यू नो लाइक यू कैन सी थ्रू पीपल। आपके अंदर वो नॉलेज है, यू हैव दैट लाइक यू नो विजडम कि आप लोगों को देख सकते हैं। यू कैन सी थ्रू पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, व्हाट फीलिंग्स दे हैव, इमोशंस। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ सो दैट कि you know like wish fulfillment, desires, it is also about completion of something that ho sakta hai ki aap kafi time se kis cheez ko deal kar rahe hain, so that is happening in your life. Ab ho sakta hai ki wo काफ़ी टाइम से कुछ आपकी लाइफ में इट वाज लाइक एक एनर्जी थी जहाँ पे देर वर सो मेनी ब्लॉकेजेस, और वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं। नाउ फाइनली यू कैन सी थ्रू थिंग्स और यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, सो विश इज़ कमिंग ट्रू। इमॉर्टलिटी का मतलब भी यही होता है दैट अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू नो। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, और फाइनेंस को लेके हो, जॉब को लेके हो। इट इज़ अ स्पेशल ब्लेसिंग, यू नो, काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग यू आर गेटिंग। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि गेटिंग नॉलेज, विजडम और सब कुछ एक साथ हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग अल्टीमेटली यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। चलिए अब आगे देखेंगे हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप एंड करियर, ठीक है, फॉर ऑल द लीब्रा। ओके, सो लेट अस सी। तो यहां पर जो एनर्जी आ रही है राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है यू आर फीलिंग लिटिल यू नो लाइक हार्ट ब्रोकन ओवर समथिंग और शैटर्ड। हो सकता है आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, लाइक देर इज़ सम पेन अराउंड द सिचुएशन, या आपके जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, बट एक अंदर एक वो ना कुछ चीज़ है जो आपको ठेस पहुंचा रही है, या यू कह लीजिए कि इट इज़ अबाउट ग्रीविंग ओवर समथिंग। ओके, वट एवर इट इज़, कोई सिचुएशन थी या वट एवर, वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ हुआ था इन द रीसेंट पास्ट या लाइक समथिंग रिलेटेड टू दैट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं,
आई थिंक ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो फीलिंग गिल्टी. मुझे लगता है कि वट एवर हैपन इन द पास्ट, ओके, उस चीज़ के बारे में, मतलब वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं. फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, और मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ रिफ्यूज़ल, या काइंड ऑफ यू नो वट हैपन्ड आप लोगों के बीच में जो बात हुई. नाउ ये ज़रूरी है, ये तो चलो पास्ट की बात हो रही है, वट इज़ लाइक उनकी इंटेंशन क्या है अभी आपको लेकर. लॉट ऑफ लव, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, दैट मीन्स मे बी आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, ओके. डिस्टेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग थ्रू. बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में. ऑफकोर्स देर इज़ अ चेंज कमिंग, और आई थिंक लाइक आप लोगों की ना यू नो कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है जहाँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं, या यू आर गिविंग इट अ टाइम, ओके. कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा टाइम ले रहे हैं. वेयर इज़ दिस हेडिंग इन द फ्यूचर? आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग आप लोगों के बीच में, वो बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है. एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट काइंड ऑफ दैट कि आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आ रही है, ओके. नाउ आई वॉन्ट टू सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट दे वॉन्ट टू से एक्चुअली, यू नो आपको क्या कहना चाहते हैं. आई विल कॉन्टैक्ट यू सून. आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, एंड एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स ग्रोइंग. एक तो ये कि वो आपसे मतलब अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ बातचीत कम हो रही है, देन दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू सून, दे विल कॉन्टैक्ट यू सून. दूसरा ये है कि उनको ऑब्वियसली कार्ड्स के थ्रू भी यही चीज़ नज़र आ रही है, दैट दे आर गिल्टी अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड इन द पास्ट, कि वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया. वो चीज़ है. एवरी डे उनका जो प्यार है आपके लिए वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इन द रीडिंग एज वेल, कि जो सिचुएशन है वो आप लोगों के बीच में बेटर हो सकती है. मतलब नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल अबाउट दैट यू नो यू आर काइंड ऑफ कनेक्टेड विद ईच अदर, मिसिंग ईच अदर, यू नो आपकी सोलमेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. दैट इट इज़ अबाउट दैट कि सोलमेट वाइब्स, वो चीज़ें हैं. सो ऑल इन ऑल इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू नो लाइक विशेज गेटिंग फुलफिल्ड इन अ रिलेशनशिप, की हो सकता है कि आपकी विशेज पूरी हो. वट एवर हैपन्ड, जो भी कुछ हुआ, वट एवर द रीज़न वॉज, आई थिंक यू आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज आप किसी आप उनको टाइम देना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू फेयरली ट्रीट दिस पर्सन. हो सकता है कि आप कुछ के लिए, हो सकता है इट्स अबाउट यू वॉन्ट टू ट्रैवल, यू वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन, यू वॉन्ट टू सी दिस पर्सन, या यू वॉन्ट टू डू योर बेस्ट. ये चीज़ आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, और उनकी तरफ से ये चीज़ है. दे हैव इंटेंस इमोशन, लवर्स एनर्जी है, दे फील दैट इंटेंस बॉन्ड बिटवीन यू आप लोगों के बीच में, ठीक है. और ये चीज़ है, बट समटाइम्स दे एक्ट कोल्ड, सम मतलब एक्शन उनके ऐसे हैं, बट डीप डाउन आई थिंक दे वॉन्ट टू बी विथ यू. ये चीज़ हो सकती है. चलिए, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में, ये देखेंगे. ओके, सो आई टोल्ड यू दिस कनेक्शन इज यू नो मूविंग टूवर्ड्स समथिंग. मे बी इट इज़ काइंड ऑफ अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है. सी, दिस इज़ अ टेम्पल पाथ, सो यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहाँ शायद हो सकता है आपने बिना सोच रखा हो. इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग. मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है, हो सकता है, नहीं डेफिनेटली है, कि ये आपको आपके न्यू साइड के साथ, द काइंड ऑफ यू नो यू हैव नेवर सीन, तो आपको उस साइड के साथ कनेक्ट कर रहा है. वेदर इट इज़ अबाउट यू, वेदर इट्स अबाउट योर पार्टनर, दोनों के यू नो यू आर कनेक्टिंग विद योर न्यूअर हेल्दियर वर्जन, और आपका ये जो कनेक्शन है वो आगे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. चाहे मैरिड है, सिंगल के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट, प्लीज टाइम स्टैम सिंगल के लिए, दैट एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है इट्स वेटिंग फॉर यू. एंड ऑफकोर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑफकोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, योर मीटिंग योर काउंटर पार्ट, या ये चीज़ हो सकती है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, यू नो
और मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एक पाथ पर चल रहे हैं। यू कैन इवन, कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, यू कैन इवन गेट मैरिड एज वेल टू दिस पर्सन, या हो सकता है ऐसी कोई बात हो, ओके, अबाउट समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। सो चलिए, अब ये तो हो गई रिलेशनशिप सेक्टर की बात। आगे अगर कुछ मैसेजेस दिखेंगे तो हम वो भी बात करेंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट करियर एज वेल, कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओके, सो लिब्रा के लिए करियर वाइज व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए। स्टे अवे फ्रॉम ट्रिक्सटर्स, पीपल हु मैन्युपुलेट यू एट वर्क प्लेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैन्युपुलेशन, चीटिंग, बट अल्टीमेटली आई थिंक यू आर गोइंग टू डू गुड। कुछ बड़ा, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और अ प्रोजेक्ट और समथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग वेरी फुलफिलिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे एंड कंटेंट फील करेंगे, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, दैट समथिंग इज, और ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, डोंट लेट एनीबडी नो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट देर आर पीपल अराउंड यू एंड ऑफ कोर्स वट एवर यू आर, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट कीप इट यू नो लाइक यस, अपने जो स्टेप्स हैं ना बहुत क्वाइटली आगे बढ़ाइए। मीन टू से कि हो सकता है आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लगता हो दैट दे आर वेल विशर्स बट दे आर नॉट, डोंट टेल योर यू नो लाइक फ्यूचर प्लानिंग्स, उनके साथ डिस्कस मत कीजिए। वट एवर इट इज़, जस्ट बी इन योर ओन जोन, बी इन योर पावर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए। इट इज़ काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग, और इफ़ यू आर गेटिंग एन आइडिया, कीप इट अप टू यू, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्रेडिट लेना चाहे उस चीज़ का, आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहे, ओके, वो चीज़ है, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन इट, या आप उस पर काम करने वाले हैं, एंड यू डोंट वॉन्ट टू गेट डिसअपॉइंटेड। ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी और अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, ये चीज़ हो सकती है। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे। सो लेट अस सी, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोर टू वैल्यू, सो मनी इज कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लाइक फाइनेंसिस आर गोइंग टू गेट बेटर, बहुत अच्छे फाइनेंसिस हो सकते हैं, सम फॉरन डीलिंग हो सकती है आपकी किसी के साथ, लाइक फॉरन डीलिंग, फॉरन कंपनी, आई डोंट नो, और कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ यू नो फॉरन पीपल, फॉरन लैंड, ये चीज़ हो सकती है, या इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप्स, वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती हैं, करियर को लेके, एनी थिंग लाइक दैट, बट यस, ये चीज़ हो सकती है। अगेन ट्रैवल दिखाई दे रहा है, दैट मे बी देर इज़ अ ट्रैवल ऑफ कोर्स, और हो सकता है इट इज़ अबाउट अ मूव और अ शिफ्ट और मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगेन इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक अचीवमेंट, देखिए यहाँ पर भी ना आई वॉज लाइक डी कोडिंग दिस कार्ड बिकॉज इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, तो यहाँ पर सारे देवी देवता हैं। इट इज़ अबाउट लाइक अचीविंग समथिंग दैट यू ऑलवेज यू नो ड्रीम्ड ऑफ, सो वो चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, सो अचीविंग सक्सेस एंड न्यू हाइट्स इन लाइफ, ओके, या जो चीज़ पहले लाइफ में नहीं हुई है तो आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अगेन यू नो लाइक ट्रीटिंग पीपल अकॉर्डिंगली, यू नो मतलब आप जो मतलब लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो यू गेट टू नो अबाउट देम देन हाउ टू ट्रीट यू, हाउ टू ट्रीट पीपल, उनको कैसा ट्रीटमेंट देना है अकॉर्डिंग कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट। आई डोंट नो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, द काइंड ऑफ बिहेवियर दे शुड
द लवर्स एनर्जी, ओके, सो यहाँ पर वाओ वाओ, सो यहाँ पर अगेन ब्यूटिफुल एनर्जी दिखाई दे रही है. सो एंजल्स कह रहे हैं इट्स अबाउट सेल्फ लव, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, यूनिवर्स इज हियर कॉलिंग यू, गिविंग यू अ कॉलिंग टू, यू नो, मतलब कि आप इनके साथ मिलकर काम करें और आगे बढ़ें. इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, आई टोल्ड यू, यस, इट इज़ अबाउट काइंड ऑफ अचीवमेंट, या हो सकता है कुछ के लिए कनेक्टिविटी, यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करना. आई थिंक ऑफकोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट योर पार्टिसिपेशन, इट्स नीडेड इन समथिंग. अच्छा, कुछ के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं और देर इज़ यू नो अपकमिंग इवेंट, हो सकता है कुछ इवेंट्स हैं, वो चीज़ है दैट यू मे ट्रैवल समवेयर, यू मे गो समवेयर, कुछ अचीवमेंट है, अ चेंज इज़ कमिंग, यू हैव वेटेड अ लॉन्ग, कोई बहुत टाइम से आपने वेट किया है किसी चीज़ का. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ायर्ड फ्रूट्स मिल रहे हैं, या कहते हैं ना कि वो फल पक चुका है, झोली में गिरने का वक्त आ चुका है, ऐसी सी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है. सो डिवाइन टाइमिंग, जैसे बेसिकली हम कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल एंड इट इज़ हियर, समथिंग इज़ हियर, ओके. सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लीब्रा पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर.